नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं सोनू। देवास जिले के उदयनगर में दलित युवती के मुस्लिम युवक के साथ जाने पर बवाल हो गया। परिजनों ने अपहरण का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल किया। युवक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नगर बंद रखा गया। थाने का घेराव कर आरोपी को पकड़ने की मांग की गई है। गांव में जुलूस भी निकाला गया। आरोपी और उसके दो रिश्तेदारों के घर पर पत्थर फेंके गए हैं। भीड़ ने एक धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ भी की। साथ ही आरोपी के परिवार की दो बाइक और एक कार को भी नुकसान पहुंचाया है। पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को संभाला। युवती के भाई ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया, हम चार भाई बहन हैं, एक बहन और भाई स्कूल गए थे। पिता इंदौर गए हुए थे और वो अपहत हुई बहन शुक्रवार दोपहर 2 बजे अपने खेत पर खाद डाल रहे थे। इसी बीच फरजान उम्र 20 वर्ष पिता सज्जुद्दीन आया और बहन को आवाज़ देकर अपने पास बुलाया। इसके बाद वह बहन को बाइक पर बैठा कर ले गया। आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर सुबह से उदयनगर में बंद रखा गया। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ने का आश्वासन दिया। इसके बाद हालात सामान्य हुए। बागली SDM एस सोलंकी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। नगर में फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। SDM सोलंकी ने पीड़ित परिवार से बात की। उदयनगर में फिलहाल हालात काबू में हैं। एहतियातन शहर में पुलिस बल तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि मामला शुक्रवार का है। पुलिस ने आरोपी युवक पर केस दर्ज कर लिया है। सूत्रों के अनुसार तोड़फोड़ मामले में भी 2 लोगों को आरोपी बनाए जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस अभी इस मुद्दे पर खुलकर कुछ नहीं बोल रही है।